प्राचीन काल में ग्रामीणों में शिक्षा की कमी एवं संसाधनों के अभाव में धर्म जागरण मूर्ति कला एवं चित्रकला के द्वारा झांकियों के माध्यम से किया जाता रहा है। करीब 200 साल पहले स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे द्वारा काछी पिपरिया गांव में पुतरियों के मेले की शुरुआत की गई थी। स्वर्गीय पांडे मूर्ति कला एवं चित्रकला में पारंगत थे। उन्होंने लगभग 1000 मूर्तियों का निर्माण कर अपने निवास को एक संग्रहालय के रूप में विकसित कर धार्मिक कथाओं के अनुसार कृष्ण लीलाओं की सजीव झांकियां सजाकर धर्म जागरण का कार्य प्रारंभ किया था, जो बाद में पुतरियों के मेले के रूप में जाना जाने लगा। ये जो पुतरियों का मेला लगभग 250 वर्ष पुराना है, ये मेरे पिताजी के बब्बा जी ने, श्री दुर्गा प्रसाद पांडे ने शुरू किया था। उसके बाद से आज तक अनवरत परंपरा चल रही है और इसमें हमारे पराजय की बनाई हुई मूर्तियां अभी भी हैं, उसके बाद बब्बा जी की बनाई हुई हैं, फिर पिताजी की बनाई हुई हैं और अभी भी हम लोग इसमें सहायता करते रहते हैं। सभी लोग, हम लोग चार भाई हैं, वो भी सहायता करते रहते हैं और इन पर रंग वगैरह का और सहेजने का कार्य होता है। और इसमें करीब 40-50 गाँव के लोग आते हैं और यहाँ जो भी गांव के लोग हैं उनके रिश्तेदार, सभी घर में दो चार रिश्तेदार रहते हैं, तो वो सभी लोग इस मेला में आते हैं। आज विमान भी निकलता है और ये पुतरियों का जो मेला है बहुत प्रसिद्ध है और इसमें जन जागृति के लिए विभिन्न प्रकार की झांकियाँ लगाई जाती हैं, जैसे खेती धन का नाश, जो धनी रहे ना पास, और नशा मुक्ति अभियान के ऊपर भी है और विभिन्न प्रकार के उपक्रम जिस सामाजिक कुरूतियों को दूर करने के लिए इस झांकी में प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसके लिए ग्रामीण भाषा में, पुरानी भाषा में लोग इसको पुतरियों का मेला कहते थे।